वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थी इंडिया। और आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे आयुर्वेदिक ऑयल के बारे में जो आपके बालों को हेल्थी रखने में हेल्प करेगा। जी हाँ, अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है यानी कि आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा झड़ते हैं तो झड़ते बालों को रोकने में हेल्प करेगा, आपके बालों को न्यूट्रिशन भी पूरा करेगा जिससे अगर आपको दो मुहे वाले बाल होते हैं तो वो भी इससे बंद होंगे। इसके अलावा आपके बालों को ये स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और लंबे भी बनाता है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा इस ट्रिचअप हेयर ऑयल के बारे में। तो ये जो ट्रिचअप हेयर ऑयल है वो काफ़ी कमाल होता है बालों के लिए। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि ये जो ट्रिचअप हेयर ऑयल है उसकी प्राइस क्या है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें डाली गई हैं, ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, इसका मसाज करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आपको लगाना है ताकि इसके अच्छे खासे बेनिफिट्स आपको मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक है मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे जो लाइक का टारगेट है वो है 400, तो फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को वीडियो भी पसंद आता है लेकिन वीडियो पूरा होने के बाद वो लाइक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। तो देखिए, बालों की समस्या आजकल हर किसी को होती है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, बालों की समस्या हर किसी को होती है। किसी के बाल झड़ते हैं, किसी के बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, किसी के जो बाल हैं वो घने नहीं होते हैं या फिर लंबे नहीं होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनते हैं। तो ये जो ट्रिचअप हेयर ऑयल है वो काफ़ी कमाल होता है आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके अलावा जिन लोगों को दो मुहे बाल की समस्या होती है तो उसमें भी ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इस ट्रिचअप हेयर ऑयल के प्राइस और पैकिंग की। तो देखिए, इसकी जो प्राइस है वो है 140 रुपये। तो 140 रुपये में आपको ये 100 ml मिल जाता है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं, वहां पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा तो आप उसको वहां से भी परचेस कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो ट्रिचअप हेयर ऑयल है उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, कौन कौन से इसमें तिल डाले गए हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका जो मेन बेस है वो है तिल का तेल और नारियल का तेल। तो तिल का जो तेल है वो 80% इसमें डाला गया है, इसके अलावा नारियल का तेल भी इसमें 20% डाला गया है। तो इसका जो मेन बेस है वो है तिल का तेल और नारियल का तेल। हालांकि इसके अलावा जो बाकी की जड़ी बूटियां हैं उसको प्रोसेस के दौरान उसमें डाला जाता है, तो उसमें होता है नीम, इसके अलावा भृंगराज भी इसमें होता है, आमलकी होता है, आमलकी का जो फ्रूट है वो इसमें डाला गया है, इसके अलावा नील पुष्पा इसमें होती है, मंदुक पर्णी इसमें डाला गया है, नागरमोती इसमें डाला गया है, जाति इसमें यूज हुई है, इसके अलावा गुंजा है या फिर दतुरा है, यष्टी मधु की जो जड़ होती है वो भी इसमें डाली गई है, वरुण की जो होती है वो भी इसमें डाली गई है, करंज होते हैं उसके जो बीज होते हैं करंज के बीज तो वो भी इसमें डाला गया है, इसके अलावा बृहती है इसमें, इंद्र वरुणी भी इसमें डाली गई है। तो ये जो सारी जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं प्रोसेस करके बनाया जाता है, इसकी कुछ प्रोसेस होती है जैसे तिल का तेल और नारियल का तेल डाल दिया और उसके ऊपर ये जो सारी जड़ी बूटियाँ हैं उसकी जड़ है या फिर फ्रूट्स हैं वो उसमें डाले जाते हैं, बाद में उसको उबाला जाता है और उसके बाद इसको बनाया जाता है। तो ये जो सारी जड़ी बूटियाँ हैं वो डाली गई हैं इस ट्रिचअप हेयर ऑयल में। तो चलिए अब हम इस ट्रिचअप हेयर ऑयल को खोल लेते हैं और बाद में हम बात करेंगे कि इसको किस तरीके से लगाना है और इसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ बॉटल मिलती है ट्रिचअप हेयर ऑयल की जो 100 ml की होती है और इसकी जो प्राइस है वो है 140। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी मेडिकल स्टोर से भी आपको आसानी से मिल जाती है। और अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो ट्रिचअप हेयर ऑयल है उसे किस तरीके से लगाना है ताकि अच्छा खासा बेनिफिट्स आपको मिल सके, तो देखिए ऑयल कोई भी हो, अगर आप उसे सिर में लगाना चाहते हैं या फिर कोई अगर आप मालिश का भी ऑयल यूज़ करते हैं तो लगाने से पहले उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए। अगर आप उसको थोड़ा सा हल्की आँच पर गर्म करते हैं तो उसका अच्छा खासा बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से इस ट्रिचअप ऑयल को एक कटोरी में ले लीजिए और थोड़ा सा गर्म भी कर लीजिए। गर्म करने के बाद आपको स्काल्प में लगाना है और 10 से 15 मिनट हल्के हाथों से मसाज भी करना है।
तो 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद आपको तुरंत वॉश नहीं करना है, बल्कि 4 से 5 घंटे छोड़ना है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप रात को सोने से पहले मसाज करें और पूरी रात छोड़ दीजिए उसको, और सुबह में आप शैम्पू भी कर लीजिए, तो ये अच्छा खासा बेनिफिट्स आपको दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर आप इस ट्रिचप हेयर ऑयल का अच्छा खासा बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो इस ट्रिचप हेयर ऑयल के साथ आपको एक बायोटिन सप्लीमेंट्स लेना है। अगर आप बेस्ट क्वालिटी का बायोटिन सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। क्योंकि बायोटिन सप्लीमेंट्स जो है वो विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है, जिसे बायोटिन कहते हैं। इसके अलावा विटामिन H भी उसे कहा जाता है, H इसीलिए कि वो हेयर के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप बायोटिन सप्लीमेंट लेंगे तो ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, न्यूट्रिशन भी पूरा करेगा। इसके अलावा समय से पहले जो सफ़ेद बाल होते हैं तो उसे ये होने से भी रोकता है। तो इस ट्रिचप हेयर ऑयल के साथ आपको बायोटिन सप्लीमेंट्स जरूर लेना है ताकि इसका अच्छा खासा बेनिफिट्स आपको मिल सके। तो अगर आप इस ट्रिचप हेयर ऑयल को रात को गर्म करके लगा लेते हो, सुबह में शैम्पू कर लेते हो, तो इससे आपके हेयर फॉल की समस्या है तो वो बंद हो जाती है। यानी कि ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो वो झड़ना बंद हो जाते हैं, आपके बाल लंबे होते हैं, मजबूत भी होते हैं, इसके अलावा घने भी होते हैं। जिन लोगों को दो मुहे बाल की समस्या है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों के बाल जो हैं वो समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं तो वो भी वहां पर स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के जो बाल हैं वो ऑलरेडी व्हाइट हो चुके हैं तो उन्हें तो ये ब्लैक नहीं करेगा, लेकिन बाकी के जो बाल हैं उन्हें व्हाइट होने से जरूर बचाता है और आपके बालों को न्यूट्रिशन भी देता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं, इस ट्रिचप ऑयल को यूज करते हैं तब भी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा और कोई ऑयल यूज करते हैं तब भी मुझे कमेंट में जरूर बताना।